जाया जहां कोई ना बैंक था ना कोई एटीएम था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया, डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम 1 ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ, 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं, आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार के साथ, पूरा GSTN, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, UPI, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस पर चलती है और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ए पर्सनल इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग डिजिटल एम्पावरमेंट। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रा टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फी है, जान लीजिए आप। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई पार्सल की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, या कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में। जैसे आपको मालूम है, हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 4.25 वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे PDO, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है, ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है PDO का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ PDO, पब्लिक डेटा ऑफिस, दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर एक इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे, उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा, और इसको हम ऐप स्टोर के अलावे अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे। तो एक हो गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से किसी PDO से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही हैं, उसके लिए वहाँ कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में, वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है। कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था कि गांव गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए लो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे, और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे।
तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया, वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देशभर में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी ए वेरी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इम्पावर ऑर्डर इंडियंस, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूं। मित्रों, एक दूसरा है जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहां संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता होती है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया, प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन भी कर दिया, आज वो काम चल रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं, कवराती, कल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्तन एंड कदमत, आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावनाएं, मैं लक्षद्वीप हम लोग गए हैं शायद प्रकाश जी आपका जाना, मतलब उसका जो ब्लू वाटर है इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बड़े शांत लोग हैं, तो वहाँ कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती थी। तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है, 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे, और इसमें बिल्कुल सेफ सिक्योर BSNL के द्वारा जैसे वहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी इसकी कुल राशि 1072 करोड़ की है, ये आपको हम बताना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। और जो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है, जो प्रकाश जी ने आरंभिक टिप्पणियां की कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आग्रह करते हैं, निर्देश रहता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता होनी चाहिए, हम लोग अपने सारे विभाग में उसकी चिंता करते हैं, और वहां कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा विषय है। तो 4G का काम बाकी सब जगह चल रहा है, कई जगह पूरा हो गया है, आसाम में, बाकी जगह पर 2 जगह बचे हुए थे, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारे 2 जिले कार्बी अंगलोंग और दीमा हसाओ आसाम के। तो आज हम 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल, ये 4G हुआ आज प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हमने इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2374 गांव, 283 हैं अरुणाचल में और 691 हैं दोनों जिले आसाम के, और हम 1533 मोबाइल टावर स्थापित करेंगे 4G के। तो आप देख रहे हैं कि आज ये तीनों निर्णय, वाणी, पीएम वाणी, लक्षद्वीप में अंडरग्राउंड केबल कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा
अरुणाचल और असम के दो जिलों के लिए, तो देश की संचार क्रांति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, तो ये मुझे आपको बताना था। धन्यवाद। गंगवार जी आप अभी बताओ। धन्यवाद हमारे साथ बैठे हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी साथी मित्रों। आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों हम जिस मंत्रालय में हैं सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे एक साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं, पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से ज़्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाएँ, इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी भी जाने की दिशा में काम किया है। मैं एक आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमारी सरकार जब 2014 में आई तब हमारे देश में इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत फॉर्मल रोजगार के अंतर्गत करीब करीब 6 करोड़ के आसपास कर्मचारी साथी काम करते थे, पर आज मुझको आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है इस सब के बाद भी इस समय आज इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड मजदूरों की संख्या 10 करोड़ के आसपास है। ये सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार कैसे और किस रूप पे काम कर रही है। इस योजना के तहत हमने उन कर्मचारियों को चुना है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है, और योजना के माध्यम से हम एक गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी बताने का काम करते हैं। और ये योजना उन सब पर लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, वो भी अब अगर रखे जाएंगे उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का सारा EPF अंशदान देगी, और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1,000 तक कर्मचारी कार्यरत हैं। 1,000 तक के सारे कर्मचारियों का 24% अंश भारत सरकार 2 साल तक देने का काम करेगी, और जहां पर 1,000 से ज़्यादा हैं वहां पर इस अंश में कुछ कमी हो जाएगी, केवल 12% अंश एम्प्लॉयज़ का दिया जाएगा। मित्रों ये 2 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। सरकार कोविड के दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और हमारा मानना है कि जिनकी नौकरी छूट गई है उन सबको हम पुनः नौकरी पर देने की बात कर रहे हैं, और नौकरी के लिए कोई उन्हें समस्या ना आए, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और जब हम उनसे कहते हैं तो समझ में आता है। इसमें एक और भी हमने डायरेक्शन दिया है कि जिस संस्थान में 50 कर्मचारी तक हैं वहाँ कम से कम 2 अगर नए लोगों को नौकरी मिलती है तो उनको इस रूप में सहायता मिलेगी, और जहाँ पर 50 से अधिक हैं वहाँ कम से कम 5 साथियों को नौकरी देने का काम करना होगा। इस योजना के अंतर्गत हमने अंदाज़ा लगाया है करीब 22,810 करोड़ रुपया खर्च होगा। मित्रों इस प्रकार आपकी जानकारी में है कि इससे पहले भी एक हमने स्कीम चालू की थी 2016 से 2019 के बीच में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन स्कीम, वो उसको लाभ मिला और उसमें 12% अंश केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, पर अब हम जो आज इस बार जो योजना दे रहे हैं वो 24% अंश केंद्र सरकार देने का काम करेगी। ये बात सही है कि उस योजना से करीब 1,21,00,000 लाभार्थियों को लाभ मिला था, और इसमें भी अभी लोग पूछ रहे हैं लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, और लोग इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ये तो आपने हमको व्यक्तिगत मिलकर कहते हैं कि आपने जो हम चाहते थे उसके हिसाब से आपने कदम उठाया है। हमने कहा आप जो भी आपको नौकरी देगा उसका 24% हिस्सा भारत सरकार देने का काम करेगी, लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ, ये हमारा
मानना है। तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब हमारी सरकार आई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को चलाने का काम किया था, तब 6 करोड़ के आसपास संगठित मजदूर थे और आज ये संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 4 करोड़ संगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जवाबदेही मजदूरों के प्रति पूरी है और गरीब मजदूर के प्रति और ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और वास्तव में 15,000 से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को टेक होम सैलरी भी अब बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी डिमांड जनरेट होगी। मेरा मानना यह है कि वास्तव में इसका लोग उठा रहे हैं लाभ और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सर, ये जो नई योजना है, इसमें कितने लोग आप उम्मीद करें, चूंकि रकम आपकी 22,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है, तो कितने लोगों को रोज़गार इस योजना के तहत मिल पाएगी, इसकी कोई संख्या तय हुई है? ना, हमारा मानना है कि हम अभी जो कि शुरुआत की है और तो तभी हम इसके बाद में इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे, पर हमारा मानना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभ उठाएंगे। ये जब से कोविड आया या उससे पहले से, क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है कि अभी तक कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है जिनका रोज़गार नहीं है, मतलब जो नौकरी चाहते हैं? और क्या ये भी डेटा आपके पास है कि सर, पिछले 5-6 साल में जब से मोदी सरकार आई है, कितने लोगों को रोज़गार दिया गया जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड थे, और कोविड में कितने लोगों का रोज़गार गया और कितनों को रोज़गार मिला, ऐसा कोई डेटा आपके पास? जिनका रोज़गार गया, सामान्यता मूजवानी कहते हैं, ऐसी कोई वैसी फिगर नहीं है। पर जैसा मैंने एक फिगर बताई कि जब हमारी सरकार आई थी तब संगठित मजदूरों की संख्या 6 करोड़ के आसपास थी और आज यह संख्या 10 करोड़ प्लस है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्योंकि असंगठित मजदूर तो इसके आगे हैं, 40 करोड़ हमारा मानना है और हैं, और 10 करोड़ ये रुचि है कि सबको साथ में लेकर काम किया जाए। हम 40 करोड़ की भी चिंता कर रहे हैं इसके हिसाब से। देखिए, आपने कोविड की बात की तो मैं एक विषय आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ। भारत की क्षमता और भारत से दुनिया की अपेक्षा, इसको समझना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल कम्युनिटी की आस्था, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया, रेजिलियंस ऑफ आवर इकॉनमी एंड ट्रस्ट इन द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि आपने बात कही, इसलिए मैं हम बता रहा हूँ, इसी अप्रैल में कोरोना के समय हमने यहीं से एक स्कीम अनाउंस की थी, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, याद होगा, प्रकाश जी भी थे, जिसके अंतर्गत हम भारत में दुनिया की बड़ी कंपनियों को मोबाइल बनाने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक, बनाओ एक्सपोर्ट करो। हमने अप्रैल में लॉन्च किया, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, और आपको जानकर खुशी होगी दुनिया की सारी टॉप कंपनियां आ गई और उन्होंने वादा किया आने वाले 5 साल में हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे, और 2 फैक्ट्रियां शुरू भी हो गई कर्नाटका में, तो ये लगभग 15-18 हज़ार लोगों को नौकरी भी मिल गई। तो ये भारत की संभावनाओं के बारे में विचार करना चाहिए। हम अवसर दे रहे हैं और दुनिया को लगता है कि भारत वो एक केंद्र है। इस कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकारों की भी नौकरी गई है, जो छोटे अखबार चलाते हैं या छोटे चैनल में हैं, क्या उनके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है? ना, आप हमें मिलिए, हम जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे, और ये ऐसे बहुत से साथी मिलते रहते हैं और हमें लगता ही है कि उनको अच्छा इसका एक आप चिंता मत करिए, आइए। ये मंत्री जी से हमारा सवाल है कि आपने जो केंद्रीय मंत्री से सवाल है हमारा कि जो वाईफाई सिस्टम बानी है, जो आप हर जगह पे इसको दे रहे हैं पूरे देश में, तो ये क्या जो वाईफाई है वो जो लोग यूज़ करेंगे डाटा, क्या फ्री में है या उसकी कॉस्टिंग भी लगेगी? जैसे आपको बता दूं, आपको जैसे आप चाय के दुकान के डेटा सेंटर पर गए वाईफाई, या परचून की दुकान पर गए, किसी ऑफिस में गए, तो उसका जो एक रेट होगा वो तो फिक्स रहेगा ना। अब जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं ना, 500 का सिम कार्ड लेंगे या 100 रुपये का लेंगे या 50 रुपये का लेंगे, उसी प्रकार से आप उसका उपयोग करेंगे। वो पूरा सिस्टम में, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करने वाली है, हम पूरा इसको कॉम्पिटिटिव बनाने वाले हैं देश भर में। तो हो सकता है कि ये बहुत विस्तृत फैल जाए, तो जैसे होता है थोक का माल लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा,
खुदरा लीजिएगा तो महंगा पड़ेगा, इसको हम मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे। वैसे देखिए मार्केट के ऊपर छोड़ने से क्या फायदा होता है कि आज भारत का डेटा कॉस्ट वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। दोनों चाहें तो दोनों दे सकते हैं सर। ये सरकार डेटा भी सस्ता में उपलब्ध करा रही है, रोजगार भी कोविड काल में जिनकी गई है उनको दे रही है, रिफॉर्म्स बहुत कर रही है और किसानों के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। आज सवाल केवल दो है। सवाल आपको लग रहा है टू मच डेमोक्रेसी कारण से रिफॉर्म्स भारत वो थोड़ा उसमें परेशानी होती है जैसा नीति आयोग का मानना है, और दूसरा आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली सरकार, उसमें लचीला रुख अपना है, आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है दिल्ली का ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग इशू। मैं इसका उत्तर आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हूँ। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही या कोई निगोशिएशन है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है, और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट क्वेश्चन 38। एक बात मैं क्लारीफाई कर दूं, जिसने आपने लोकतंत्र पर जो बात किया है टिप्पणी को लेकर के उनके द्वारा क्लारीफाई कर दिया गया था। भारत को अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है और हमें इस बात का और भी कि देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को स्नेह करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और ये बार बार इसका प्रकटीकरण हो रहा है जो आज प्रकाश जी ने दिन में पूरे प्रेस से बताया है कि राजस्थान में भी हम लोग जीत गए हैं गांव में। तो लोकतंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे और जनता का विश्वास भी है। To amend the farm laws. Now, whether if you have agreed, has the cabinet taken a view on it? And if so, are you going to bring an ordinance or you are going to bring it in a parliament through a law? Okay. आप कहाँ से देखकर ये पूछ रहे हैं? ये ऐसे इस पर विश्वास मत करो। मैंने जो कहा कि सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है, और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट फॉर सम मोर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।